जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तू बोलो जय सियाराम। नहीं 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 नहीं, बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। ये दोनों जुबा केसरी के दम देखा जाएगा आज। और बहुत ही फाइनली मैं पूरे डिटेल में कलेक्शन बताने वाला हूँ आपको, दो दिन के कलेक्शन का, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वर्सेस मैदान मूवी का। बहुत ही कमाल के कलेक्शन निकले हैं, क्योंकि जिस तरह से मूवियों का हाइप बनाया जा रहा था, मूवी कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा है अपने सिर्फ सेकेंड डे के। और अगर बात करूँ प्रिया मनी, गजराज राज और हमारे बेस्ट एक्टर अजय देवगन सर की मैदान मूवी की, जो कि कमाल की मूवी थी। कंपटीशन पड़ रहा था इसका, आप जानते हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। उसके बावजूद भी मूवी ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। बट ऐसा क्या हुआ कि मूवी डूब गई दूसरे ही दिन। मतलब बहुत ही एवरेज जा रही है, ठीक ठाक नहीं है जिस तरह से जा रही है मूवी। अब देखो डिजिटल कलेक्शन के मामले में तो मूवी कम से कम 118 करोड़ कमा चुकी थी, बट उसको हटा दिया जाता है। एडवांस कलेक्शन ठीक ठाक थे, बट इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन को अगर देखा जाए तो लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन की थी मूवी। ओवरसीज में 5 करोड़, और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए अपने पहले दिन का तो 18 करोड़ का कलेक्शन किया है मूवी ने। 18 करोड़ का कलेक्शन किया है भाई फर्स्ट डे, मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि मूवी का जो बजट है वो है लगभग 70 करोड़। अब देखो इस मूवी के जो सेकेंड डे हैं तो नेट बॉक्स ऑफिस अपने टोटल दो दिन का मिला के ये मूवी जा रही है 14 करोड़, और ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी के दो दिन का है 24 करोड़। मतलब सिर्फ अपने दो दिन में मूवी अब जाके 24 करोड़ कमा पाई है, तो एक एवरेज ट्रेंड कर रही है। अब क्या लगता है आपको कि ये मूवी बहुत ही अच्छी निकलेगी, क्या कॉम्पिटिट कर पाएगी, या मूवी हिट होगी या नहीं? शैतान मूवी का जिस तरह से इस मूवी का कलेक्शन 200 करोड़ था 60 करोड़ के बजट में, बट ये मूवी कंपेयर बहुत ही अच्छी लग रही है लोगों काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तक कि मतलब जो लोग देखने जा रहे थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो लोग डिवाइड कर लिए कि अब हमको वो मूवी नहीं, ये मूवी देखना है। कौन है बैटमैन? आधे घंटे से फेल ही रहा हूँ, मरता ही नहीं है साला। जा जाता फंस जाता तू। अरे मैं इनको कंफ्यूज करने ही मरने की एक्टिंग कर रहा था। देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। बाज जफर के डायरेक्शन में बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां में न जाने कितनी कमियां लोग निकाल रहे हैं, कि जितनी है भी नहीं, लोग उतना ज्यादा इस मूवी को ट्रोल कर दिए हैं। अब देखो ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी भाई, जवान मूवी पठान मूवी अगर आपने देखी है ना, तो उससे भी कंपेयर मतलब इतना ज्यादा आप कर रहे हो कि मतलब हर चीज देखो, हर मूवी में वो सब नहीं मिल जाएगा जो आपको चाहिए। 250 करोड़ मूवी का बजट है, ये गलत है भाई। 250 करोड़ का बजट जिस तरह था मूवी, उस टाइप की मतलब स्टोरी नहीं टच कर पाई, जिसकी वजह से लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। अब देखो ये अपने फर्स्ट डे कलेक्शन इस मूवी के जिस तरह से 15 करोड़ हिंदी कलेक्शन की थी, जहां पे टोटल अगर देखा जाए 16 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। ओवरसीज में मूवी ने 5 करोड़ कमाए, और टोटल लगभग कमाई थी मूवी लगभग 9.5 करोड़ कमाई है। अब देखो वहीं पे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर देखा जाए इस मूवी का, तो हो चुका है 32 करोड़। 32 करोड़ इस मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन है, एक तरह से एवरेज था, क्योंकि इस साल की सेकेंड हाईएस्ट कमाई थी इस मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन में। इससे पहले कमाई थी फाइटर मूवी ने, लेकिन फाइटर मूवी ने यार अपना बजट रिकवर कर लिया है, ये बड़ी अच्छी बात थी अपने आप में। अब सेकेंड डे आ जाते हैं इस मूवी के, टोटल देखा जाए तो अपने नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अगर दोनों दिन का मिला लें तो 26 करोड़ होता है, और ओवरसीज का अगर टोटल मिला लें तो 21 करोड़ जाता है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी के फर्स्ट और सेकेंड डे टच करके मूवी ने 48 करोड़ कमाए हैं अपने फर्स्ट डे और सेकेंड डे को मिला के। अब गाइज आप खुद सोचो कि अगर पहले दिन के कलेक्शन 32 करोड़ है और दूसरे दिन जस्ट मतलब हाफ कलेक्शन आ गया है, तो क्या लगता है आपको 250 करोड़ का कलेक्शन टच कर पाएगी? मूवी फ्लॉप है भाई, फ्लॉप है अभी से बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी अच्छी मूवी आ गई तो मूवी वहीं पे उड़ जाएगी। फिलहाल अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार मूवी हिट होगी या फ्लॉप, दोनों को बताइएगा जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, अभी के लिए बाय।